Hi, welcome back दोस्तों. दिस इज निधोशी सर एंड वार्म वेलकम टू सक्सेस इंजीनियरिंग क्लास. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के बढ़िया सेशन के साथ जो आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में करने वाले हैं. लेकिन ये सेशन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा समरी ये न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करूंगा. आज के ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में आएगा. मतलब ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के पेपर में आएगा, कल आगे जाके आप कहीं एग्जाम देंगे, क्या करेंगे आप एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे. तो दोस्तों वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ भी हम सभी को यहाँ पे हेल्प होगी. इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट भी सुनेंगे जो रेनॉल्ड नंबर का होगा, उसका सफिक्स का एक इंडिकेशन होगा. एंड फिर उसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के. ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है जो आप चेक कर सकते हैं. फिर भी मैं पढ़ूंगा एंड गिवन डाटा के साथ लिखूंगा. प्लीज कैसे लेके बैठिए सो दैट हम लोग कैलकुलेट करके लिख सकेंगे. लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या वीडियो रिप्ले करके आप वापिस सुन के उसे लिख के निकाल सकते हो. अभी सिर्फ सुनना है, कैलकुलेट करना है. चलिए. A stream of air is at 27 degree Celsius. तो बेटा अभी क्या दिया है, फ्लूइड दिया है एंड फ्लूइड का नाम है गैस, दैट इज एयर. हम लोग यहाँ पे देखेंगे गिवन डाटा में एयर इज अवेलेबल विद अस. इज इट विजिबल टू ऑल? तो एयर मिला है. इट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस मूविंग एट 0.3 मीटर पर सेकंड. तो बेटा ये एयर का टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो सर आज फ्लूइड अपना एयर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस. सही बात है, वेरी सिंपल वन. अगर इसके दो टेम्परेचर्स भी अवेलेबल होंगे तो बाद में हम लोग TF1 एंड TF2 करेंगे, अभी तो सिर्फ TF के साथ आगे चलेंगे. पक्का ये सर? यस. सो इट इज मूविंग एट 0.3 मीटर पर सेकंड. मतलब तो उसकी वेलोसिटी दी है, तो ये Vf है 0.3 मीटर पर सेकंड. द ग्रॉस 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये एयर किसके ऊपर मूव होने वाली है, तो शायद अभी बहुत कम बच्चों ने देखा होगा, पुराने जमाने में अपने पास एक बल्ब आता था, पीला कलर का बल्ब आता था, मैक्सिमम सारे घर पे वही बल्ब होते थे और वो बल्ब ना अलग अलग वैट का आता था, 100 वैट, 40 वैट, 60 वैट. तो आज हम लोग अज्यूम करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू कंसिडर एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो 100 वैट का है. कितने वैट का है? 100 वैट का है. तो बेटा ये 100 वैट का मतलब क्या होता है? तो दैट इज द हीट ट्रांसफर्ड बाय दैट बल्ब इज 100 वैट. तो जब आप बल्ब ग्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो भी होगा, ठीक है ना, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे एंड उसे ऐड करते रहेंगे, उसके ऊपर मूव होते रहेगा. सो इट इज मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेल्सियस. किसको? बल्ब के सरफेस को. अभी बल्ब बोला तो बल्ब का सरफेस आ गया, तो बेटा सरफेस आया तो यहाँ पे सिंबॉल आएगा TS एंड वैल्यू इज 127 डिग्री सेल्सियस. If the bulb is approximated as a sphere of 60 mm diameter, तो बेटा यहाँ पे उन्होंने बोला है bulb is considered as sphere. Bulb अपना कैसा है? Sphere का है and diameter is considered as 60 mm. Oh my God, mm में दिया है, तो उसे convert करेंगे 0.06 मीटर के साथ. सही है, वेरी गुड. तो बेटा डायमीटर मिला. एस्टीमेट द हीट ट्रांसफर रेट मांगा है. तो बेटा जब भी हीट ट्रांसफर रेट की बात होती है, वी शुड नो टू फाइंड क्यू. अभी मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा क्या मांगा है उन्होंने? हीट ट्रांसफर रेट मांगा है, क्यू मांगा है? सही बात है. आगे देखिए. एंड परसेंटेज ऑफ पॉवर लॉस बाय कन्वेक्शन.
ओके मतलब ये सिर्फ क्यू नहीं आएगा, इसका और कोई क्यू का यूज करके हमें लॉस ऑफ पावर ढूंढना है। वेरी गुड। इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, नहीं दिया है क्या? दिया उन्होंने 77 डिग्री सेल्सियस दिया है। हम सबको पता है ये 77 कहाँ से आता है। सही बात है, तो वो नंबर पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। एंड प्रॉपर्टीज विच आर गिवन टू अस, सो वी कैन से वी आर हैप्पी। रैंडम नंबर रेडमेड दिया है 0.697, तो हम लोग खुश होंगे, वी विल बी स्माइलिंग बिकॉज बहुत सारा काम बच जाएगा। सर ईटा दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 2.08 × 10^-5 है अभी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। के इज गिवन एज 0.03 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन, एंड इन दिस पार्ट इट इज गाइडेड बाय, तो देर इज अ चेंज एंड द गाइडिंग इक्वेशन इज नसेल्ट इज इक्वल टू 0.37। रेनॉल्ड रेस टू 0.6। बेटा गिवन गाइडिंग इक्वेशन में सिर्फ रेनॉल्ड दिया है, तो अपने को क्या करने का बेटा? जो गाइडिंग दिया है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। कल वो बहुत कुछ स्टोरी भी देंगे, क्या पे स्टोरी में इंटरेस्ट है? तो दिस इज द फर्स्ट पैनिक पॉइंट जहां पे आप पैनिक होते हैं। बेटा जो गाइडिंग इक्वेशन उसे लेके फॉलो करना। अभी सर इसमें प्रांडल नहीं है, नहीं तो छोड़ दे उसे। आर यू गेटिंग मी? फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सूडो डाटा। नंबर ऑफ टाइम्स दे विल बी गिविंग अस सम एक्स्ट्रा डाटा टू जस्ट कंफ्यूज अस। तो बेटा बी केयरफुल अबाउट द पार्ट। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सारे दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। तो ये रेनॉल्ड के साथ डी है। Anyone knows the significance of it? This is having a very important meaning, and ये meaning समझ में आया तो ही आगे का numerical आएगा, and वो है pins, और या note करके आप लिख के रख सकते हैं बाद में। Reynold is having a suffix d. Reynold का वो क्या है? Suffix d. Then character is stick when का मतलब होगा एल इज इक्वल टू बी। ये कहां से आया दोस्तों? एक्चुअली ये नोट दिया नहीं जाता, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज है। जब भी ना हमने वो डेरिवेशन किए थे, याद है बाउंड्री लेयर के डेरिवेशन, एंड तभी हमने इसे कुछ काम किया था, रेनॉल्ड नंबर ओवर द डिस्टेंस एक्स, फिर हमने काम किया था रेनॉल्ड नंबर ओवर द लेंथ एल, एंड ये एक्स एंड एल का मतलब क्या होता है? द लेंथ विच इज अंडर कंसिडरेशन is x, the length which is under consideration is l, and यहाँ पे उन्होंने mention किया है the Reynolds number, the length which is under consideration is d, इसका मतलब l का value क्या लेना है? d लेना है। is that clear? पक्का 100% यहाँ तक तो समझ में आए? एक टाइम वापिस रिवाइज करते हैं एंड फिर अभी निमर करके एंड में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा उन्होंने गिवन क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है d is an air जिसका खुद का टेम्परेचर 27 है, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड ओवर ए बल्ब, एंड अभी ये बल्ब ग्लो हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। एंड बेटा ये जो बल्ब ग्लो हो रहा है इसका खुद का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, एंड वो 100 वाट का बल्ब है। कितना है? 100 वाट। मतलब आज एक बल्ब मैंने आपके सामने स्पीयर करके अज्यूम किया, तो इसका सरफेस को अगर मैं टच करके आपके टेम्परेचर मेजर करता हूँ तो 127 है। इसके ऊपर से जो एयर फ्लो होगी वो 27 की है, तो ये और बल्ब में से जो एनर्जी बाहर आएगी, जो पावर हमें मिलेगी वो 100 वाट दिया है। क्यों समझ में आया? वाट मैंने बोला, वाट बोला तो पावर आएगा, पावर बोला तो वाट आएगा, तो बेटा एक क्यू उन्होंने हमें दिया है। एंड एंड में बोला है कि बेटा फाइंड आउट, क्या बोला उन्होंने? यस, फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर रेट। मतलब बल्ब ने 100 वाट तक लाया, उसके ऊपर से एयर फ्लो हो गया,
एयर में फ्लो करने के बाद बल्ब के ऊपर का जो हीट डेवलप हुआ था वो कितना आगे लेके गया विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। देखिए क्या ब्यूटीफुल कंसेप्ट है दोस्तों। ये कंसेप्ट के साथ बहुत टाइम हम लोग जो बाकी के नेचुरल कन्वेक्शन फोर्स कन्वेक्शन के काम करते हैं ना बेटा, वहां पे यूज होगा। कोई एग्जाम्पल सर, जब अपनी गाड़ी चलती है तो हेडलाइट जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, तो हेडलाइट गर्म होते तो उसके ऊपर से जब हवा जाएगी तो फ्री कन्वेक्शन फोर्स कन्वेक्शन क्या वेलोसिटी आएगी, उसका यूज करके उसका कूलिंग रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो दिस इज जस्ट एन बेसिक न्यूमेरिकल जिसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशंस में कर पाएंगे। तो मैं हमेशा बच्चों को एक न्यूमेरिकल में इंडस्ट्री एप्लीकेशंस बताने की बात करता हूँ। चलिए तो वापिस आते हैं। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर हमें पता हो गई। ये रेनॉल्ड्स विथ डी लिखा, इसमें प्लैंडर है ही नहीं तो भाई उसको छोड़ दिया, एंड प्लैंडर नहीं है तो छोड़ दिया तो अपने को प्रॉब्लम आएगा ना। ये क्या है, कंडक्शन है कि कन्वेक्शन है? बेसिक तो कन्वेक्शन है, लेकिन कन्वेक्शन में फोर्स दे के फ्री है। क्या है बेटा ये फोर्स दे के फ्री है, समझ में नहीं आता है? तो वहां पे सर ने एक इंपॉर्टेंट नोट दिया, बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी सफिक्स आएगा डी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मिलेगी डी, एंड फिर आपका आराम से आगे का सोल्यूशन हो पाएगा। बोला ये सॉल्व, लॉजिक क्लियर हो गया सारे बच्चों का। अभी फॉर्मेलिटी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। अभी न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या चाहिए, तो वही पुराना तेरा बहाना। क्या बात करते हैं, तो अभी हमें क्यू चाहिए। एनीवन विल लेट मी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्यू। बेटा क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? सर सिंपल है, क्यू का फॉर्मूला हमें मिलेगा क्यू इज इक्वल टू एस एस डेल्टा टी, या एच एस एंड व्हाट इज द डेल्टा टी एनीवन? ST एस माइनस टी माइनस, एस सही बात है, वे ऑन रिकॉर्डिंग पक्का। तो इट इज टी एस माइनस टी एफ है, पक्का है दोस्तों? याद रखो सिर्फ फ्लूइड के साथ काम करेंगे तो टी एफ टू माइनस टी एफ वन आता है, ये सादा है तो टी एस माइनस टी एफ आता है। प्यार से है कि नहीं? तो एकदम प्यार। तो बेटा यहां तक तो पहुंच गए सारे बच्चे, टी एस माइनस टी एफ की बात भी समझ में आ रही है सारे दोस्तों को। अभी बहुत दिन सोचेंगे सर इसमें फिर ये एफ पता है, एस पता है, एस पता नहीं है, एनीवन क्या पता नहीं है? ए एस। एंड दोस्तों ये लास्ट ट्वीट है ये न्यूमेरिकल की, करमी भाई आसमी भाई, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेटा मैं आज आप सारे दोस्तों से जानना चाहूंगा व्हाट इज सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एंड मुझे पता है एक्सेप्ट फ्यू मैक्सिमम बच्चे, अरे बल्ब ना बल्ब बोला तो सर्कल है, सर्कल बोला तो पाईडी बोल के जाते हैं। तो आपको याद आएगा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले कोई मॉड्यूल में करके लिए है, एंड वहां पे आपको बताया था बेटा स्पीयर आएगा तो वहां पे सरफेस एरिया मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी सी बात है जो आपको कंफ्यूज कराएगी या कभी कभी प्रॉब्लम आएगा। तो बेटा ये सबसे पहले हमें सरफेस एरिया ढूंढना है, एंड सरफेस एरिया ऑफ बल्ब, बल्ब बोला तो स्पीयर सर, एंड उसका सरफेस एरिया मिलेगा 4 पाई, इट इज अ 4 पाई। सर डायमीटर 60 है तो ये 30 होगा, 0.03 द स्क्वायर। एनीवन कैन हिट द कैलकुलेटर एंड लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्विज। यस बेटा 0.0011 मीटर स्क्वायर। तो सारे ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज आपको सॉल्व करके बैठना है, कैलसी को यूज करना है। सही है? तो एस भी आ गया, तो सर अभी ये टी एस है, टी एस है, एस है, क्यू तो ढूंढना है, तो दो क्यू हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। तो गिवन क्यू वन को इसको क्यू वन बोलेंगे, ये भाई साहब को क्यू टू बोलेंगे, तो ये क्यू टू आएगा। लेकिन क्यू टू कभी आएगा जब एच पता होगा, एंड एच कहाँ से आता है? तो बच्चा मुश्किल आएगा, तो अरे यार सर वापिस वहां पे लेके गए, एंड व्हाट इज दैट लाइन? ऑलवेज गो टू बेसिक कंसेप्ट, न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो। लोग डायलॉग भी बच्चों के लेके जाते हैं,
लेकिन क्या बेसिक है इन तक बता नहीं पाते हैं। तो बेटा व्हाट इज दैट बेसिक कंसेप्ट? तो हमें एच आएगा नसेल्ट से, एंड एनी वन नसेल्ट का फॉर्मूला एनी वन एच एल या एच एल सी अपॉन के। वाह वाह बढ़िया है। तो ये कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा 0.37 पता है। ए बेटा 0.37 पता है, कितना जोड़ने का यार। एंड रेनॉल्ड नंबर ढूंढना है, एंड व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर एनी वन? क्या बात है। सो इट इज हा वी एस इंटू अपॉन न्यू, सही है। तो कभी ये भी फॉर्मूला आता है बेटा यहाँ पे, तो डरो मत, रो वी डी अपॉन म्यू। सब फॉर्मूला क्या है? सेम है, सारे के सारे फॉर्मूला सेम है, जस्ट प्रॉपरली काम करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें रेनॉल्ड नंबर ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे टाइटल रेनॉल्ड नंबर, इज गिवन बाय रेनॉल्ड नंबर ओवर स्पेस डी इज इक्वल टू वी एफ इंटू एल सी अपॉन न्यू। व्हाट इज वी एफ गिवन है? एल सी, एनी वन एल सी? 0.06। एंड न्यू 2.08 10 पावर 9। बोलो भाई रेनॉल्ड नंबर क्या मिला आप सारे दोस्तों को? हाजी, एंड आंसर है 865.3। तो सारे बच्चे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले चेक कर सकते हैं एंड आंसर भी दे सकते हैं। आंसर की अपना रिकॉर्डिंग हमेशा ओपन होता है, नेवर केप्ट इट क्लोज, ठीक है ना। इट इज अ लाइव इंटरेक्शन, तो बिंदास बात करने का 865.3 आंसर मिलेगा। जो रेनॉल्ड का आंसर है, अभी गाइडिंग इक्वेशन अपने साथ है तो चलेंगे। क्या गाइडिंग इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या है गाइडिंग इक्वेशन? नसेल्ट इज इक्वल टू 0.37 रेनॉल्ड इज टू 0.6, सही है। वैल्यू डालो एच एल सी अपॉन के, एच को ढूंढना है सर, एल सी बोला तो मिला, के भी मिला, रेनॉल्ड नंबर सही है। यहां से बेटा आंसर आएगा एच का 10.7%। कितना आया अभी? 10.702। वाह वाह वाह, तो बहुत बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। दिस 10.702 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन। तो बेटा अभी ये हो गया अपना, तो इसका यूज करके अभी कहाँ पे आएंगे हम लोग? हम लोग आएंगे एंड पार्ट पे, जहां पे Q2 ढूंढना है। 10.702 A से 0.127, A से 27, यस इट इज 11 point। श्योर पक्का कॉन्फिडेंस है सारे बच्चों को? 77 जो भी आएगा यूनिट का होगा वैट। एंड दोस्तों हमें सबसे एंड में इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है फाइंड पावर लॉस। हाउ टू फाइंड पावर लॉस? सिंस पावर लॉस इज आस्क्ड, व्हाट वी कैन से पावर लॉस या परसेंटेज मांगा है, परसेंटेज पावर लॉस इज गिवन बाय बोला। तो जो बड़ा है उससे पहला यूज करने का Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। Q1 का वैल्यू है 100, Q2 है 11.77, दिस इज 100 इंटू 88.2 88.2 ना बेटा,
अरे भाई तुम उसे कैलसी में का कॉमन सेंस था, 100 गया 100 गया, अभी सच में यूजिंग कैलसी। कम ऑन मैन, इट इज ए 3 है, ये 2 है, ये 9 की वजह से 1, मतलब 8, 8 आएगा आंसर। इज परसेंटेज लॉस इज 88.23%। तो डैंड डैंड, तो दोस्तों कितने मार्क्स में तो जाते हैं, 6 to 8 marks, वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन, और वो भी कितना दूंगा मैं, अभी 5 स्टार दूंगा, बिकॉज इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है पेपर में। तो प्लीज बताइए मुझे कैसे लगा न्यूमेरिकल। तो और एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, आदमी को सिलेंडर बनाएंगे, और मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कन्वेक्शन से ये टोटल 3 टाइप से, इनमें से एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है, तो जितना करेंगे उसमें से एक आएगा, बस ना भाई पास तो हो जाएंगे, एंड और अच्छा पढ़ाई किया तो स्कोर भी कर लेंगे। तो सच में बहुत अच्छा लगा, इफ आई हैप्पी टू गेट दिस आंसर, रियली ग्रेट, इन अ ग्रेट मूड, यस सर, मजा आया, 8 मार्क तो दिख रहे, हम सभी को खुश हो गए। तो याद से दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको पास कीजिए, एंड और ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए मिलते रहिए। दिस इज मितोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। याद से टीम करने के, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। जस्ट क्लोजिंग द पार्ट, साइनिंग ऑफ।